यहाँ पर भी कमरे के अंदर कई लोग एक साथ बैठ के बातें कर रहे हैं। वो भले ही मास्क लगाए हुए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग भी फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उनमें भी ये वायरस पहुंच रहा है। तो ये चीज भी ध्यान रखने की है कि किसी एक बंद कमरे में कई लोग बैठ के एक साथ बातें ना करें। ये भी एक तरह से आप इसको एक गाइडलाइन ही समझें, क्योंकि अक्सर क्या हो रहा है कि लोग जब आपस में बैठ के बातें करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं उनका मास्क थोड़ी देर के लिए नाक से नीचे उतर जाता है, या कभी चाय पीने लगे तो उतनी देर के लिए मास्क हटा लिया। तो ये वायरस पूरे वातावरण में फैल रहा है उस जगह पर, अगर बंद कमरा है तो वो उसमें एक इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो ये भी चीज़ इसमें आप एक तरह से जोड़ के चलें कि कहीं पर भी बंद कमरे में मीटिंग वगैरह न करें, क्योंकि इसमें काफ़ी हद तक वो वायरस एयर में काफ़ी देर तक रह रहा है कंपेयर टू द प्रीवियस वन, जो कि बहुत जल्दी वायरस को माना जाता था कि वो भारी होने की वजह से जल्दी जमीन पे आ जाता है। ये वाला वायरस जो है, ये या तो ये वायरस उससे डिफरेंट है या उस समय इसकी नॉलेज नहीं थी, लेकिन आज की तारीख में ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि वायरस एयर में काफ़ी देर तक स्टे कर रहा है, कई मिनट तक स्टे करता है। और इसलिए आपको मास्क मास्क का नाक पे होना वो बहुत जरूरी है। बहुत ज़रूरी है, मतलब यदि आप मास्क को बहुत ढंग से सेंसिटिव एरिया पहना में हैं जाए तो आप ये उसको, बहुत हाँ जी, अगर जी आप किसी सेंसिटिव एरिया में हैं जहाँ बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो वहाँ पर ये बेटर क्वालिटी मास्क का भी होना जरूरी है।